राजनीति विज्ञान व प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित हिंदी में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। नमस्कार विद्यार्थियों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि BSTC यानी DLED का एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, आपकी काउंसलिंग कैसे होती है, पेपर की कट ऑफ कितनी जाती है, कितने नंबर का पेपर होता है, क्या 2 वर्ष का BSTC सर्टिफिकेट लेने के बाद आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है। इन सारे सवालों के जवाब आपको मात्र 2 मिनट में मिल जाएंगे, तो आइए जानते हैं आपके सवालों के जवाब। विद्यार्थियों, BSTC भारत में एक शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो विशेष रूप से प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 तक में पढ़ाने वाले इच्छुक लोगों के लिए बनाया गया है, यानी 1 to 5 एलिमेंट्री स्कूल के लिए बनाया गया है। ये एक डिप्लोमा कोर्स है। BSTC का फुल फॉर्म है बेसिक स्कूल टीचिंग कोर्स। विद्यार्थियों, ये राजस्थान में DLED के नाम से जाना जाता है, DLED डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ये 2 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है BSTC। विद्यार्थियों, BSTC आपको एक शिक्षक बनाने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान प्रदान करता है। विद्यार्थियों, BSTC के एंट्रेंस एग्जाम के बाद आपको कॉलेज में एडमिशन लेने की बारी आती है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 377 समथिंग DLED कॉलेज हैं। विद्यार्थियों, यदि आप प्री-बीट DLED एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाते हैं तो आपको अपने गांव या शहर के नज़दीकी कॉलेज मिल जाएगा। BSTC की कट ऑफ की अगर हम बात करें तो महिलाओं एवं पुरुषों के लिए जनरल, OBC, SC ST के आधार पर अलग अलग कट ऑफ जाती है। अगर हम एक उदाहरण के रूप में भी समझ सकते हैं कि राजस्थान में BSTC एग्ज़ाम में जिन अभ्यर्थियों ने 400 या इससे अधिक नंबर मिले हैं विद्यार्थियों, तो उनका पसंदीदा कॉलेज उन्हें मिल सकता है, और 400 से कम नंबर वाले विद्यार्थियों को दूसरी या तीसरी वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार करना पड़ता है। मैं यहाँ पे आपको काउंसलिंग के बारे में समझा रही थी विद्यार्थियों, तो BSTC का रिजल्ट जैसे ही डिक्लेयर होता है उसके बाद आपको काउंसलिंग फॉर्म ऑनलाइन भरना पड़ता है। यदि हम राजस्थान की बात कर ही रहे हैं तो विद्यार्थियों, तो पंजीकरण के दौरान उम्मीदवारों को निर्धारित पंजीकरण शुल्क भरना पड़ता है। जैसे राजस्थान में 2023 में 3,000 रुपये का भुगतान करना पड़ा था कैंडिडेट। रजिस्ट्रेशन फ़ी ई मित्रा, डेबिट, क्रेडिट या नेट बैंकिंग के विकल्पों को आप चूज़ करके भर सकते हैं। विद्यार्थियों, आप BSTC करने के बाद सरकारी नौकरी करना चाहते हैं ना, या उसकी तलाश कर रहे होते हैं, तो मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगी कि BSTC पाठ्यक्रम पूरा होने पर उम्मीदवारों को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE द्वारा डिप्लोमा प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। ये प्रमाण पत्र उन्हें सरकारी और निजी प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण नौकरियों के लिए आवेदन करने के योग्य बनाता है, या यूँ कह लीजिए विद्यार्थियों कि इसके द्वारा आपको सरकारी नौकरी में 3rd ग्रेड शिक्षक के अलावा आप पाठ्यक्रम विकास, शिक्षक प्रशिक्षण, शैक्षिक परामर्श, स्कूल प्रबंधन और प्राथमिक या प्राथमिक विद्यालय में शिक्षण के क्षेत्र में आसानी से आपको नौकरी मिल सकती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें व बेल आइकॉन भी दबाएँ। धन्यवाद।